जी का हार्दिक स्वागत है। अरज छिंदारा की तरफ से आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, सिर्फ 2 मिनट के लिए सब चुप होकर बैठेंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। हम पंचायत में आए हैं, अगर इस पंचायत में कोई फैसला ही नहीं निकला तो पंचायत क्या हुई। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, 2 मिनट तक कोई भी ताली नहीं बजाएगा, किसी के मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। भाई साहब सबसे पहले मैं चरणों में राम राम करता हूं। यहां के जो क्रांतिकारी जिनसे हमने लड़ना सीखा, जो हमारे योद्धा हैं आज के, राकेश टिकैत जी, गुरुनाम चढ़ूनी जी, मेरे अंकल जी राकेश कोत जी, सुरेश कोत जी माफी चाहूंगा, सत्यपाल मलिक जी और मेरी मातृ शक्तियां, मेरी जितनी बहनें, ये सब आज की योद्धा, एक बार जोरदार ताली बजा ली तो इनके लिए बताओ। अब बात आती है, हिंदुस्तान था जब हम सब एक थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए, हमारे को सर्टिफिकेट कौन बच रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की, खाकी चड्डी पहनकर वो संघ हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाले किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून पाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। अब बात करती है नू मेवात और मेवातियों की, मेवाती लोग मेरे कौन है। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिनती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में। 1901 में दोबारा से गिनती हुई, आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो, इनकी गिनती कर दी मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 25 और 26 के दौरान इन पर ठप्पा लगा दिया कि आप सब लंडन है। भाई साहब मैं बैठा दूंगा, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, शांति बना लो यार, कमाल कर रहे हो, अपने आदमी प्रोग्राम बना दोगे। आप जोड़कर विनती, आवाज नहीं आनी चाहिए, आप सभी से विनती है। आप सभी साथियों को इतना कहूंगा, आप लोगों पर ठप्पा लगा के बना दिया कि आप मुसलमान हो। 1947 में जब हम आजाद हुए, आजाद के बाद एक मिनट, हमारे बीच में एक गुजरों को टोल गेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं यहाँ मेवात में, एक बड़े भाई, वैसे तो मैं भी आपके बीच में गुजर ही था, पर गुजरा की तरफ से प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी अतुल प्रधान जी हमारे बीच में बना दी। हम सर प्रधान जी का स्वागत है। वापिस आते मुद्दे पे, 1947 में हमें आजादी मिली, यहाँ से मिट्टी खोद के देख लेना, इस मिट्टी के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका रक्त मिलेगा इस आजादी के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या बात आई कि हिंदू और मुसलमान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को राजनीति का कीड़ा था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। जिन्ना को बोले अपने मोमडन मुसलमान एक तरफ ले जा और नारा पाकिस्तान बना दे, तेरे को प्रधानमंत्री बनना, तू वहां बन जा। और जवाहरलाल बोला मैं हिंदुओं पर राजनीति करूंगा, इनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। दो देश अलग हुए सिर्फ राजनीति के लिए। जब राजनीति के लिए दो देश अलग हुए, हिंदू मुसलमानों में इन लोगों ने, इनकी तुच्छी राजनीति ने मारकाट मचवा दी। उस मारकाट के अंदर मेवात का भी नंबर आता है। जब मेवात का नंबर आया, मेवातियों को बोला गया
हिंदुस्तान को खाली करो, क्या आप लोगों का देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। दिल्ली से रेल के अंदर बैठाते थे, आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के भाग का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में, और अगर पाकिस्तान लेके जाना है तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। इस बात का पता लगता कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली। देश के सबसे बड़े नेता उस वक्त के बापू गांधी को बुलाया गया कि यही मना सकता है इन लोगों को और कोई नहीं, ये हकीले हैं, ये जिस चीज पर अड़ जाते हैं जान दे देते हैं, वापिस नहीं हटते। आपके मेवात नू के अंदर घासेड़ा गांव है, वहां पे बापू गांधी जी आए, गांधी ने आप लोगों को मनाया, तुम्हारे को अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा, अच्छी फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आप लोग यहां से पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आ जाओगे शांति होने के बाद। ये गांधी के शब्द थे। उसी वक्त एक मेवाती बुजुर्ग ने खड़ा होकर कहा गांधी जी हमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो, मिट्टी नसीब करवा दो, वो काफी है, देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गांधी ने ऐलान किया मेवाती हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवाती यही रहेगा। अब बात आती है आप लोग पिछड़ क्यों रहे हो, मेवात की खबर पढ़ के देखते हो कभी, हमारी साइड जो अखबार आता है टीवी आता है उसमें दिखाया जाता है मेवात मिली पाकिस्तान है, मेवात के अंदर तो बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई यूथ युवा पीढ़ी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेधारियों की बातें सच मान के उस पर अमल करती है, उनको यह दिखाई नहीं देता इस देश को जो हाल में चला रहा है, सरकार चलाने वाला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है, आपने किस जाति में जन्म लिया है, तेली जाति में, और तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो। अब बात आती है कमी की, कमी कहां है सिस्टम में, कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर, वो कमी क्या है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी तोड़े जा रहे थे, उसके बाहर जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी, सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे, वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता, और आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तुम्हारे बीच जिंदा होते। वही हालात आज है आप लोगों के लिए, जब हम बोलते हैं बोलने से पहले तो हरस सितारा सबका, बोलने के बाद बात आती है तो जात जाति से है, और जात सब हिंदू थे ही नहीं, कमाल है भाई, हमने हिंदुस्तान के लिए जन्म लिया, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है, हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे, हमारे का कहता हूं ये रोज लठ रोड़ा पर जब लठ खावे इनको बोलते हैं ये तो देश द्रोही है। मैं पूछना चाहता हूं जब बॉर्डर पर कोई बेटा कोई बच्चा शहीद होता है आप लोगों ने उसकी जाति क्यों नहीं दिखाती, आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ी है, आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी है, अरे लड़े हम मरे हम, देश को चलाए हम और देश के राजा वो। आप लोगों के अंदर कमी ये है आप अपने आप को नहीं पहचानते, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते, ये कमी आप लोगों में। जब आपका बच्चा रोड पे मरता है दो आने के कुछ भैया आपके
बच्चे को हिंदू मुसलमान बना के मार देते हैं, आप भी उस राजनीति में फंस जाते हो। आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है क्या? आप अपने खून को भूल गए क्या? या आप धमकियों से डरने वाले हो? अगर धमकियों की बात करो, मेरी औरत जब मैं घर से निकलता हूं ये कहती है पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। मेरी औरत जिसके साथ मेरी शादी हो रही है उसके पेट में दूसरा बच्चा है, मेरे को यह भी यकीन नहीं है मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं। जिस दिन से नूह मेवात के ऊपर मैं बोला, मैंने शुरुआत की ऐसी ऐसी धमकी ऐसे ऐसे आदमियों की, सुबह मार देंगे शाम मार देंगे, फिर भी मैं एक बात कहता हूं इस सरकार को, समय तुम्हारा राज तुम्हारा हिम्मत है तो मार लेना। अगर मेरा बुजुर्ग जाग गए इनका समय आ गया, इन लोगों ने हमारे को ताकत दे दी, हम भागने का मौका नहीं देंगे। फैसला आप लोगों ने करना है। अरे इस देश का राजा किसान होता है, किसान इस देश को संभालने वाला किसान का बेटा जवान होता है, और आप लोग अपनी ताकत भूलकर हिंदू मुस्लिम जात ब्राह्मण में फंसकर उन लोगों के बहकावे में आए हुए हो। चारों तरफ से धरती माप लेना, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा, हर 12 किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी, हर 5 किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताना दिल से बताना, क्या एक भी हिंदुस्तान का राजा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पढ़ाई लिखाई की बातें करता है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको मजा आ गया है, हिंदू मुस्लिम उनकी खुराक हो गई है। आप लोगों को लगाओ कुर्सी पाओ और फिर आप लोग भाड़ में जाओ। अरे आप लोग कब जागोगे? मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस मेवात की पंचायत को बिना किसी निरीक्षण के वापिस अपने घर चले जाते हो, आपके बेटे आपके उन बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी जो आज हमको धमकियां देते हैं, उनकी धमकियां सच हो जाएंगी। और आप लोगों में एक कमी है, जब आप लोगों की कोई लड़ाई लड़ता है उस वक्त तो आप टांग खींचते हो, और जब आपका बेटा आपका बच्चा मर जाता है तब उसकी आप मूर्तियां बनाते फिरते हो। अरे जीते जी अपने का हाथ पकड़ के क्यों नहीं खींचते, टांग पकड़ना छोड़ के। मैं सभी साथियों से यह कहता हूं, जो भी मोदी जी बोले वो बातें मुद्दे की करे, हिंदू मुसलमान की करे, नूह मेवात की करे, ताकि सरकार को पता लग जाए जो आप भगाने वाली कला सीख रहे हो वो अब नहीं चलेगी आप लोगों की। और एक नारा जोरदार, हम सब एक हैं। मैं बोलूंगा हम सब, आप लोग बोलोगे एक हैं, पता लगना चाहिए कुर्सी के ठेकेदारों को। चलो आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी को हिलाने की हिम्मत तो रखो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कोई मेरे मुख से गलत शब्द गलत बात निकली, आपका बच्चा आपका बेटा हूं, आजोड़ के आपके चरणों में माफी चाहता हूं। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा राम जी।